सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी हमारे व्यूअर श्रेया दास ने हमें भेजी है और ये उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी और जीजा जी विजय के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। ये बात आज से 2 साल पहले की है। लक्ष्मी और विजय अपने 3 बच्चों के साथ मुंबई में एक छोटे से घर में रहते थे। विजय कैब चलाता था और वो हर रोज की तरह अपने लास्ट पैसेंजर को ड्रॉप करके कैब ओनर के पास कार छोड़कर घर लौट रहा था। उसके घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था जो रेल की पटरी से होकर जाता था। वो अक्सर यही रास्ता लेता था और पैदल पैदल घर पहुंच जाता था। उस दिन वापस जाते हुए उसका पैर पटरी के पास पड़े एक पत्थर पर पड़ा और वो नीचे गिर गया। उसने गले में एक माला पहनी हुई थी जो उसके गिरने की वजह से टूट गई। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ बोला, पर जब वो पीछे मुड़ा तब वहां कोई नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे हल्की हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घर पहुंचने ही वाला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो सीधा चलता रहा और पीछे नहीं मुड़ा। उन कदमों की आवाज और तेज हो गई और उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसके पास ही आती जा रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा तो एक बहुत बूढ़ी सी औरत लंगड़ाते हुए उसके करीब आ रही थी। उसका ध्यान सीधा उसके पैरों पर गया और उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वो समझ गया कि वो औरत चुड़ैल है और बहुत तेजी से वो अपने घर की तरफ भागा। वो जैसे ही अपने घर की गली की तरफ मुड़ा तो वो औरत वहीं खड़ी थी। उस औरत को देखकर विजय का पूरा बदन कांप उठा। उस औरत ने विजय से पूछा, विजय ने घर से दूर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। वो औरत उस रास्ते पर चली गई और जैसे तैसे विजय घर पहुंचा और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी बीवी बच्चे तीनों सो गए थे और वो किसी को कुछ बताए बिना जाकर अपने बच्चों के बगल में सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी बीवी काफी डरी हुई थी और उसको बहुत तेज बुखार था। वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। जब विजय ने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, मेरा बेटा वहां नहीं है, मेरा बेटा वहां नहीं है, नहीं है मेरा बेटा वहां। सुन के विजय को समझ आ गया कि उसकी बीवी भी उस चुड़ैल के वश में है। विजय ने बिल्कुल देरी ना करते हुए पास वाले मस्जिद से मौलाना को बुलवाया और 10 मिनट में मौलाना घर आ गए। विजय ने सारी बात मौलाना को बताई और वो कुछ जांच करने लगे। मौलाना ने लक्ष्मी को शांत कराया और उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ। लक्ष्मी ने बताया कि कल रात उसे प्यास लगी थी और जैसे ही वो उठी उसने खिड़की से देखा कि उनके दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। उसने सर झुका रखा था पर लक्ष्मी के देखते ही वो औरत उसे घूर के देखने लगी और उसके कानों में उसकी आवाज गूंजने लगी। वो गुस्से में बोली, मेरा बेटा। उसकी आवाज सुनते सुनते लक्ष्मी के सर में बहुत भयंकर दर्द उठा और वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई और उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है। मौलाना ने जब पूरी तरह जांच पड़ताल कर ली तो उसने विजय और लक्ष्मी को बताया वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि एक आत्मा थी और उसकी और उसके बेटे की रेलवे ट्रैक में किसी हादसे की वजह से मौत हो गई थी। वो काफी समय से वहीं अपने बेटे की तलाश में भटक रही थी और इत्तेफाक से विजय के पीछे पड़ गई और पीछा करते हुए घर तक पहुंच गई। पर वो उनके घर के अंदर कदम नहीं रख पाई क्योंकि घर के दरवाजे पर भगवान की तस्वीर थी। मौलाना ने विजय और उसके बीवी बच्चों को तावीज दी और उनके घर की शुद्धि करी। विजय और उसकी फैमिली भगवान का शुक्रगुजार मानते हैं कि वो सब आज ठीक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें अभी सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर मंडे एक ऐसी ही हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। और
हमारा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें।